अगर आपको पता चल गया कि आपकी बीवी दो रातों से किसी गैर मर्द के साथ घर से बाहर है, बोलो। साइलेंस, ऑर्डर ऑर्डर। जमना भाई, ये मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं है, तुम्हारे साहब के खिलाफ है। क्या तुम्हें मालूम है वो मर्द कौन था? विक्रम मखीजा, इतना घुमा फिरा के पूछने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा पूछते थे ना। देखो साहब, मैं तुम्हारे जैसे पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि कोई फौजी आदमी अपने मुल्क की सेवा में घर से बाहर रहे तभी उसकी बीवी को कोई अपने घर में लेके जाए, वो आदमी को जीने का अधिकार नहीं है। अगर हमारे रुस्तम साहब ने उसको गोली मारी होगी ना, तो एकदम सही सही किया साहब ने। साइलेंस, ऑर्डर। जमना भाई। हाँ सब। अदालत आपके विचार जानना नहीं चाहती है, जो पूछा जाए उसी का जवाब दीजिए। ठीक है साहब, लेकिन आप ही मुझे बताओ ना, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी बीवी इस वकील के साथ सो रही है तो आप क्या करोगे? चला था। बस तुम मोड़ो। जमना भाई, तुम भी कैसी हो? ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, इससे मच्छर नहीं काटेंगे। लगाओ लगाओ लगाओ, लगाओ पूरा। क्या विक्रम और सिंथिया के संबंध के बारे में जानती थी? जी हाँ, वो विक्रम और उसकी लाइफस्टाइल से काफी इंप्रेस थी। और विक्रम का रवैया क्या था? विक्रम एक मर्द था, और जब कोई भी औरत बार बार किसी मर्द को इशारा दे तो जाहिर है। आपका कहना है कि सिंथिया ने संबंध बनाने की पहल की थी? ऑफ कोर्स। आई हैव नो फर्दर क्वेश्चंस योर ऑनर। कमांडर पावरी, योर विटनेस प्लीज। माय लॉर्ड, मैं मिस प्रीति को बाद में क्रॉस एग्जामिन करना चाहूंगा। थैंक यू योर ऑनर। हमारी अगली गवाह है मिसेस सिंथिया पावरी। मिसेस पावरी, आपके विक्रम मखीजा के साथ नाजायज संबंध थे या नहीं? कमांडर पावरी, योर विटनेस प्लीज। थोड़ी देर पहले प्रीति ने कहा कि आपने विक्रम के साथ संबंध बनाने की पहल की, क्या ये बात सच है? पहल विक्रम ने की थी, और संजोग ऐसे थे कि ऐसा हो गया। वो कौन से संजोग थे जिनमें आपने विक्रम से संबंध बनाए? उसके बाद मैं विक्रम से दूर रही। विक्रम ने मुझे खत लिखे, तोहफे भेजे, लेकिन मैंने विक्रम के साथ ही रिश्ता खत्म करने का फैसला ले लिया था। क्या इसलिए कि मैं वापस आने वाला था? ये बात छिपाने वाली नहीं थी। मुझे पूरा एहसास था कि मैंने जो किया वो गलत था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मैं सोच ही रहा था कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं। सस्टेन्ड। सत्ताईस अप्रैल को जब आप घर लौटी तो आपके सर पे चोट लगी थी,
क्या अदालत को बताएंगे क्या हुआ था? मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, और अच्छा होगा कि तुम भी आज के बाद मुझे कभी कांटेक्ट ना करो। ठीक है। तो रुस्तम को हमारे बारे में तुम बताओगी या मैं बताऊं? ये मजाक नहीं है मेरी जान, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूं इसलिए रिश्ता बनाया? गलत, मैं तुम्हारे उस फौजी से बदला लेना चाहता था। एक बार उसने मुझे अपनी यूनिफॉर्म का पावर दिखाया था, पर अब मैंने अपने पैसे का पावर दिखाया और तुम्हें यहां तक ले आया। This is a real power, sweetheart. इस गलत फहमी में मत रहना। लाख कोशिश कर लो, चाहे जितना पैसे कमा लो, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मेरे रुस्तम के एक बाल बराबर भी नहीं बन पाएगा। You lousy piece of shit. जो आपके साथ हुआ क्या उसके लिए आप विक्रम को कसूरवार ठहराती हैं? नहीं, सिर्फ अपने आप को। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। जो हुआ क्या उसके लिए आपको पछतावा है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, दिस इज इररिलेवेंट टू द केस। ओवररूल्ड। माय लॉर्ड, मैं अब मिस प्रीति मखीजा का क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहूंगा। मिस प्रीति, क्या विक्रम अपने साथ हमेशा पिस्तौल कैरी करता था? उसके पास लाइसेंस पिस्टल तो थी, बट वो उसे कहां कहां कैरी करता था वो मुझे नहीं मालूम। आप इस बात से तो वाकिफ होंगी कि गुस्सा उसे बहुत जल्दी आता था, वो छोटी छोटी बात पे पिस्तौल निकाल लेता था। एम आई राइट? नॉट ट्रू एट ऑल। चलिए छोड़िए, ये बताइए आपके भाई को शायरी का शौक था? जी हाँ था। गुड। जॉना, ये डायरी उसके बेडरूम से मिली है, क्या आप इसमें देख के ये बता सकती हैं कि ये हैंडराइटिंग आपके भाई की है या नहीं? प्लीज। अब मिस प्रीति क्या